हेलो एंड वार्म वेलकम। सो आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ यूनिट्स, जिसमें फर्स्ट है फंडामेंटल यूनिट्स। उसके पहले हमें समझना होगा फंडामेंटल क्वांटिटी। ऐसे सारे क्वांटिटीज मतलब लेंथ, मास, टाइम, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये हमें डायरेक्ट काउंट करने होते हैं। मतलब अगर मैं बोलता हूँ स्पीड, तो स्पीड कैसे होता है? दो फंडामेंटल क्वांटिटीज का कॉम्बिनेशन है। कैसे? डिस्टेंस और टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम को हम स्पीड बोलते हैं, तो हमें वो डिराइव करना होगा। ओके, लेकिन डिस्टेंस डायरेक्ट, टाइम डायरेक्ट। टाइम को हमें सीधा देखना होगा कितना टाइम हुआ है, उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं लगाना होगा। इसलिए फंडामेंटल क्वांटिटीज पहले समझ में आ गए, तो उसके लिए जो भी हमें स्टैंडर्ड यूज करना होगा उसको हम क्या बोलेंगे? फंडामेंटल यूनिट्स। और इसको छोड़ के बाकी क्या होता है? डिराइव्ड यूनिट्स, मतलब जो हमें फॉर्म करना होगा। वॉल्यूम ले लो, कोई भी ले लो, जिसको हमें दो या दो से ज्यादा फंडामेंटल टर्म्स को यूज करके बनाना होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? डिराइव्ड यूनिट्स। और सप्लीमेंट यूनिट्स एंगल मेजर करने के लिए होता है। थैंक यू।